नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम YouTube के बारे में। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज हम लोग किसी न किसी रूप में कभी ना कभी जरूर करते हैं, क्योंकि YouTube से हम इंटरटेनमेंट से लेकर के एजुकेशन तक का या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जानना हो तो हम YouTube का ही सहारा लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आप जो YouTube पे लंबे समय तक जो YouTube के वीडियो को देखना चाहते हैं, उसमें होता क्या है कि उसमें जो आपका नेट का जो स्पीड होता है वो हर जगह जो है एक समान नहीं होता है। मतलब कि कहीं पे आपको ज़्यादा स्पीड मिल जाता है, कहीं पे बहुत स्लो होता है, जिसके कारण जो आपका जो मोबाइल का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कहीं पे अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो वहाँ पे आपका पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा होता है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा होता है, और कुछ ही समय के बाद यदि आप देखते हो तो बर्फिंग होते रहता है या फिर आप वीडियो नहीं देख पाते हो। तो उसका मेन जो रीज़न है वो ये होता है कि जो आपका डेटा का जो वहाँ पे जो सेटिंग क्या होता है उसी में आपको एक चेंजिंग करना होगा, जिसको आप चेंज करके आप अपने वीडियो को जो यूट्यूब का वीडियो है उसको आप लंबे टाइम तक देख सकते हैं, जिससे आपका जो डेटा बचा हुआ रहेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट सेटिंग हम बताने वाले। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए यदि आप इस सेटिंग का यूज करना चाहते हैं। साथ ही साथ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। छोटे से सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो है आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप यूट्यूब को ओपन कर लेते हो तब जाकर के यहाँ पे जो आइकॉन बना होता है जिस नाम से आपका जो है यूट्यूब चैनल रहेगा, तो उसका यहाँ पे जो आइकॉन बना होता है तो इसी आइकॉन के ऊपर में आपको यहाँ पे जो है एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के वैसे आप इस सेटिंग का यूज जो है आईफोन में भी कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे पास अभी फ़िलहाल आईफोन नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पे करके आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जो है आईफोन में भी वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है सेटिंग। तो सेटिंग में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस, इसके ऊपर में एक क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ज़्यादा यहाँ पे जो है हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है आपको कि यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट को मतलब चलाते हैं तो उसके लिए पहला वाला ये जो पोर्शन है ये पहला वाला होगा। उसका ये हो गया वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, तो ये इसके लिए हो गया। यदि आप जो है ज़्यादातर वाईफाई के थ्रू से यूज करते हैं तब तो आपको सेटिंग वगैरह करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा जो है स्पीड होता है। लेकिन फिर भी यदि आप बचाना चाहें तो ऐसे कंडीशन में आप जो है यहाँ पे भी चेंज करके अपना जो है डेटा को कंज्यूम कर सकते, रोक सकते, बचा सकते हैं। तो उसके लिए दो पार्ट दिया हुआ। तो सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर मोबाइल सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो हमको चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको आ जाना है ऑटो रिकमेंडेड, ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका हाई पिक्चर क्वालिटी, इसके ऊपर में रहेगा। और यहाँ पे डेटा सेवर, तो ये तीन ऑप्शन इसमें दिया हुआ। तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो डेटा सेवर ही सेलेक्ट करना है। यदि आप ऐसा डेटा सेवर सेलेक्ट कर सकते हो तो कर लेते हो, तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका जो अगर आप ज़्यादातर वीडियो यूज करते हो अपने यूट्यूब में वीडियो को ज़्यादा देखते हो तो उसमें जो आपका डेटा कंज्यूम होगा, जो डेटा खपत होगा वो काफ़ी कम होगा, जिससे आप जो है कभी भी उसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो है वीडियो आप चलाए तो वीडियो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसके बाद फिर कभी एक दो वीडियो देखने के बाद यदि आप यूट्यूब में डेटा देख रहे हो तो उसमें आपको जो है पता चलेगा वीडियो चल ही नहीं रहा। तो वैसे कंडीशन में आप जो इस सेटिंग का यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप अगला जो ऑप्शन है बस वही चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है। अगर आप यूज करना चाहते हो वाईफाई के लिए तो यहाँ पर जो है अगर आप वाईफाई के थ्रू से अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक लगा देना। बस ऐसे इस दोनों ऑप्शन में आप एक साथ लगा सकते हो या फिर आप सिर्फ मोबाइल वाला ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके बस आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे बैक आ जाओगे यहाँ पे लगाने के बाद बस आपका ये सेटिंग कम्प्लीट हो चुका है। यदि इस सेटिंग को चेंज करके आपको कुछ बदलाव लग रहा है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके ओके लिख दें, ताकि जो है हमको ये समझ में आए कि ये सेटिंग जो है सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों ये अपडेट आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।